तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे मेरे जो एस्पिरेंट हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के दीदी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है नवंबर के बाद, आपका एग्ज़ाम है, मेरा भी है, और मैं भी तैयारी में लग गई हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत कर लिया और मॉक टेस्ट वगैरह लगाने लग गई हूँ। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जी दीदी एक ऐसी बुक बताओ जिसमें हमारा जीएस का पोर्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सारा कंप्लीट हो जाए, और प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी शिफ्ट में पूछे गए हैं, और किस बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और करंट अफेयर के बारे में और प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि कमेंट मेरे पास कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे और मैं ना स्टेनो वाले एस्पिरेंट पर ध्यान नहीं दिया था, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिक का पोर्शन। तो स्टैटिक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप नवीन शर्मा सर की बुक से कर सकते हो और उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट उसको, आप उनकी 35 क्लासेस हैं, आप उनको एक बार ले लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स जो भी स्टैटिक का है। और एक उसके बाद आ रहा था कि जीएस, जीएस अगर आप वो नहीं करना चाहो तो आप ये लूसेंट की बुक है ना, ये वाली, ये आप पूरी कंप्लीट कर सकते हो, और इसमें प्रूफ के साथ मैं क्वेश्चन बताऊंगी। मैंने 2 साल का एनालिसिस किया है, उसमें 2019 के पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, और यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, उसमें बता दूंगी क्वेश्चन नंबर कौन सा है और लूसेंट की कौन से पेज से क्वेश्चन आया है, वो सारी लिस्ट यहाँ लगी रहेगी। और नेक्स्ट 2020 का भी मैंने किया है एनालिसिस, उसका भी मैं आपको बता दूंगी, उसके भी क्वेश्चन नंबर और किस बुक से है, लूसेंट वाली बुक से, और कौन से पेज नंबर पे, वो भी बता दूंगी। मैंने इतने अच्छे से एनालिसिस किया है कि आप पूछो मत। आप भी ये बोलोगे कि आप दीदी कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए, तो आप एक लाइक शेयर तो ज़रूर कर सकते हो। और एनालिसिस मैंने कैसे किया है, देखो ऑनलाइन करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, मैंने टेस्ट वेट दिया था तो, बट मैंने उससे पहले एक ये बुक खरीदी थी करण की, जिसमें प्रैक्टिस शेट वगैरह स्टेनोग्राफर के, इसमें 2021 से 2023 तक के सारे पेपर दे रखे हैं जो भी शिफ्ट वाइज, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखो ऐसा इसमें दे रखा है, आपको ये बैक कैमरे से दिखेगा, मैं बैक कैमरे से वीडियो दिखा के भी दिखा दूंगी, वैसे वो आपको उल्टा दिख रहा होगा। देखो इसमें सेट फर्स्ट है, इसमें 11/11/2021, वैसे इसमें 21 से है, मैंने 2019 का और 2020 का उससे लिया था टेस्ट बुक से, उससे एनालिसिस किया था। तो आप चाहते हो मैं आगे भी एनालिसिस करूँ, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट ये बुक भी अच्छी है, अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाहते हो, टाइम लगा के इससे भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ऑनलाइन लगाने में प्रॉब्लम होती है, बट आप फुल मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही लगाना मैं सजेस्ट करूँगी, या ऐसा नहीं कि नहीं, बट आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी तो टाइम है, तो आप इस बुक से लगा सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये है 230 रुपये की बुक, इस पर MRP है 350 रुपये, तो आप इसको खरीद सकते हो, करण पब्लिकेशन की है। और करंट अफेयर की बात रही, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ये कन्फर्म, 10-12 और ज़्यादा भी आ सकते हैं, बस कम नहीं हो सकते। तो आप स्पीडी की बुक लेना, उसमें 2023 एक तारीख से जो स्टार्ट हुई थी और अब तक के करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 2 मंथ के पढ़ना मत, क्योंकि पेपर तो बन चुका होता है, 2 मंथ का कोई उसमें रोल नहीं होता है, तो आप उससे 6 महीने करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना, वहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। और लूसेंट तो है ही, और लूसेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो लास्ट वाला होता है ना, विविद वाला, वो आप जरूर करके आना, उससे क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे 100%, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर दिया था तो वहाँ से क्वेश्चन थे, आप देख लेना जरूर। और 2019-2020 में मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर, और आपके पास बुक हो तो बुक पेज नंबर आप अच्छे से देख सकते हो, आपको प्रूफ चाहिए तो, और नहीं अगर आप मुझे विश्वास करते हो तो वो बात अलग ही है। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए, और कल मेरी वीडियो आएगी रीजनिंग के रिगार्डिंग, रीजनिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और किस पर कमांड बनानी है ज़्यादा, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैं खुद कर रही हूँ इस वजह से आपको सजेशन दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल भी, तो आप अच्छे से कर भी सकते हो। और आप अपने नंबर बताना मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, या आप मेरी मॉक टेस्ट दे रहे हो, या टेस्ट हो सेक्शन वाइज दे रहे हो, या फिर फुल दे रहे हो, या एक चैप्टर वाइज दे रहे हो, तो आप उसका रेशियो ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल, रीजनिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हैं, तो राधे राधे, नमस्कार।